नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, वो लगातार अपने पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों के सभी जिले देश के अभिन्न अंग हैं और लोगों को किसी से भी डरना नहीं चाहिए। विदेश मंत्रालय ने कनाडा में बसे भारतीयों को घृणा अपराधों से सतर्क रहने का परामर्श दिया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों को दूर करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता, शहरों और सभी भवनों को पर्यावरण अनुकूल बनाना होनी चाहिए। देश की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित लेह जिले में बैंकों के डिजिटीकरण का लक्ष्य शत प्रतिशत हासिल। नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने बाल मृत्यु दर में कमी लाने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ने लोगों को बिचौलियों से मुक्ति दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों के संग्रह का विमोचन नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में किया। और नागपुर में भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा 2020 क्रिकेट मैच वर्षा से बाधित। हॉकी के महान खिलाड़ी दिलीप टिक्की को निर्विरोध हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया। पहली बार कोई पूर्व खिलाड़ी और ओलंपियन राष्ट्रीय खेल संस्था का प्रमुख बना है। समाचार संध्या में चंद्रिका जोशी के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नया भारत तेजी से समस्याओं के स्थायी समाधान निकालने में एक नेता के रूप में उभर रहा है। गुजरात के एकता नगर में वर्चुअल माध्यम से राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। हमने दुनिया को दिखाया है कि रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में हमारी स्पीड और हमारा स्केल शायद ही कोई इसको मैच कर सकता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर लाइफ मूवमेंट, बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत आज दुनिया को नेतृत्व दे रहा है। अपने कमिटमेंट को पूरा करने के हमारे ट्रैक रिकॉर्ड के कारण ही दुनिया आज भारत के साथ जुड़ भी रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नया भारत नए दृष्टिकोण और नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। जब भारत अगले 25 वर्षों के अमृत काल के लिए नए लक्ष्य तय कर रहा है, मुझे विश्वास है आपके प्रयासों से पर्यावरण की रक्षा में भी मदद मिलेगी और भारत का विकास भी उतनी ही तेज गति से होगा। आज का नया भारत नई सोच, नए अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। आज भारत तेजी से विकसित होती इकोनॉमी भी है और निरंतर अपनी इकोलॉजी को भी मजबूत कर रहा है। हमारे फॉरेस्ट कवर में वृद्धि हुई है और वेटलैंड्स का दायरा भी तेजी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने राज्यों से आग्रह किया कि वे वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए एकजुट होकर काम करें। भारत ने 2017 तक नेट जीरो का टारगेट रखा है। अब देश का फोकस ग्रीन ग्रोथ पर है और जब ग्रीन ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रीन जॉब के लिए भी बहुत अवसर पैदा होते हैं और इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हर राज्य के पर्यावरण मंत्रालय की भूमिका बहुत बड़ी है। श्री मोदी ने सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने और अगली पीढ़ी के लिए पर्यावरण संरक्षण में जन भागीदारी को बढ़ाने का भी आह्वान किया। हमारे जो पर्यावरण मंत्री आज आए हैं, मैं उनको आग्रह करूंगा कि आप भी अपने राज्यों में सर्कुलर इकोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के हमारे अभियान को भी ताकत मिलेगी। इसके लिए हमें पंचायतों, स्थानीय निकायों, स्वयं सहायता समूहों, वहां से लेकर एमएसएमई तक को हर किसी को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने राज्यों से पर्यावरण संरक्षण में सर्वोत्तम कार्यप्रणाली को सीखने और उन्हें पूरे देश में सफलतापूर्वक लागू करने का आग्रह किया।
प्रधानमंत्री ने पर्यावरण संबंधी केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने में राज्यों के बीच स्वस्थ स्पर्धा पर जोर दिया। इनमें जैव ईंधन नीति, वाहन स्क्रैप नीति और पर्यावरण संरक्षण के लिए भविष्य की रूपरेखा बनाना शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आधुनिक बुनियादी ढांचे के बिना देश का विकास और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार नहीं हो सकता। उन्होंने राज्यों से कहा कि वे परिवेश पोर्टल का उपयोग करके पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रिया में तेजी लाएं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ गठबंधन सरकार बनाकर बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया है। पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में उन्होंने नीतीश कुमार पर कुर्सी के लिए राज्य के लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया। मोदी जी ने एक बड़प्पन दिखाया, हमसे आधी सीटें आई थी, आधी सीटें नीतीश बाबू आप आधे बनकर रह गए थे, फिर भी हमने बड़प्पन दिखाकर आपको मुख्यमंत्री बनाया था, क्योंकि मोदी जी ने वादा दिया था हम नीतीश बाबू के नेतृत्व में लड़ेंगे। मगर आप जैसे ही लोकसभा का चुनाव नजदीक आया, प्रधानमंत्री बनने के लिए कांग्रेस और लालू जी की गोदी में बैठ गए। श्री अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव स्वार्थ और सत्ता की राजनीति कर रहे हैं, जबकि भाजपा लोगों की सेवा और विकास के लिए काम करती है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों ने नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दिया था, लेकिन नीतीश कुमार ने जनादेश पर वार किया। प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश बाबू ने जो एंटी कांग्रेस राजनीति से जन्म लिया, इसकी पीठ में छुरा भोंककर आज आरजेडी और कांग्रेस की गोदी में बैठने का काम किया है। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, इस प्रकार दल बदल कर नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? सुन लीजिए नीतीश बाबू, आपने आपकी राजनीति की शुरुआत से ही एक के बाद एक कई लोगों के साथ यही किया है। अमित शाह ने कहा कि बिहार को विकास के लिए भाजपा की जरूरत है। उन्होंने लोगों से इसके पक्ष में वोट देने को कहा। श्री अमित शाह ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों के सभी जिले देश के अभिन्न अंग हैं और किसी को भी किसी से डरना नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने शिवगंगा जिले में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चे के जिला अध्यक्ष के साथ भी बैठक की। उन्होंने कल मदुरई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 8 वर्ष की उपलब्धियों पर जनसभा को संबोधित किया। विदेश मंत्रालय ने कनाडा में बसे भारतीय नागरिकों, विद्यार्थियों और शिक्षा तथा यात्रा के लिए कनाडा जाने वाले लोगों को सतर्क रहने को कहा है। मंत्रालय ने कनाडा में बढ़ते अपराध, सांप्रदायिक हिंसा और भारत विरोधी गतिविधियों को देखते हुए यह परामर्श जारी किया है। विदेश मंत्रालय और कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त तथा महावाणिज्यिक दूतावास ने कनाडा के अधिकारियों से इन घटनाओं के बारे में बातचीत की है। उन्होंने इन अपराधों की जांच करने और इस बारे में उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया है। मंत्रालय ने कहा है कि अब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई है। भारतीय नागरिकों तथा विद्यार्थियों को टोरंटो और वैंकूवर में भारत के महावाणिज्यिक दूतावास और ओटावा में भारत के उच्चायोग में पंजीकरण कराने का परामर्श भी दिया गया है। पंजीकरण वेबसाइट या मदद पोर्टल madad.gov.in के जरिए किया जा सकता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों को दूर करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की सर्वोच्च प्राथमिकता शहरों और सभी भवनों को पर्यावरण अनुकूल बनाना होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एकीकृत और प्रौद्योगिकी आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करके इसमें दक्षता लाने की आवश्यकता है। अमरीका में पिट्सबर्ग में आज ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम में डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए वैश्विक समझौता ज्ञापन जैसे महत्वपूर्ण कदमों का आह्वान किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज कहा कि यूक्रेन संघर्ष समूचे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बैठक के बारे में श्री जयशंकर ने बताया कि इसका प्रभाव समूची दुनिया में
और दूरदराज के क्षेत्रों में भी महसूस किया जा रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि सभी आक्रामकताओं को तत्काल समाप्त करने और बातचीत के माध्यम से कूटनीति पर लौटने की आवश्यकता को भारत ने दृढ़ता से दोहराया है। The need of the hour is to end this conflict in Ukraine and return to the negotiating table. This council is the most powerful contemporary symbol of diplomacy. It must continue to live up to its purpose. The global order that we all subscribe to is based on international law, UN Charter, and respect for the territorial integrity and sovereignty of all states. These principles too must be upheld without exception. देश ने बाल मृत्यु दर में कमी लाने में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2020 के अनुसार देश में 2014 से शिशु मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर और 5 वर्ष से कम उम्र की मृत्यु दर में लगातार कमी देखी जा रही है। 2019 में शिशु मृत्यु दर में प्रति हजार 30 थी, जो 2020 में घटकर 28 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस उपलब्धि पर देश को बधाई दी और सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, देखभाल करने वालों और समुदाय के सदस्यों को इस दिशा में लगातार काम करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि देश 2030 के सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तैयार है। इसमें मजबूत केंद्र राज्य भागीदारी और सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के समर्पण के साथ बाल मृत्यु दर में कमी का लक्ष्य हासिल करना है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना ने सभी के लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के सरकार के अभियान को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत गरीब और वंचित परिवारों को कैशलेस उपचार सुविधा प्रदान करने से चिकित्सा पर उनका खर्च कम हो रहा है। श्री मांडविया आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रविवार को आरोग्य मंथन का उद्घाटन करेंगे। ये योजना कमजोर परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। इसका उद्देश्य देशभर में 10 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को लाभ पहुंचाना है। 2 दिन के इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के वैश्विक और राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ साथ शिक्षाविदों, बुद्धिजीवी वर्ग, उद्योग और संचार माध्यमों के प्रतिनिधियों की भागीदारी रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात अपने स्पॉटलाइट कार्यक्रम में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की 4 वर्ष विषय पर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. आर.एस. शर्मा से विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। इसे एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:15 से सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। देश भर में धूम मचाए ज्ञान का ये उपहार, मोबाइल पे आजादी क्वेस्ट, आजादी का इतिहास डाउनलोड कर रे आजादी क्वेस्ट, ये लो जीतो ढेरों इनाम, मौका पाए जुड़ने का रेडियो और टीवी के साथ, सिर्फ खेल नहीं उत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है। डाउनलोड करें आजादी क्वेस्ट ऐप और पाए ढेरों इनाम। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नज़र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, वो लगातार अपने पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों के सभी जिले देश के अभिन्न अंग हैं और लोगों को किसी से भी नहीं डरना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने कनाडा में बसे भारतीयों को घृणा अपराधों से सतर्क रहने का परामर्श दिया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों को दूर करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की सर्वोच्च प्राथमिकता शहरों और सभी भवनों को पर्यावरण अनुकूल बनाना होनी चाहिए। देश के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित लेह जिले में बैंकों के डिजिटीकरण का लक्ष्य 100% हासिल। नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकीय रिपोर्ट के अनुसार भारत ने बाल मृत्यु दर में कमी लाने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ने लोगों को बिचौलियों से मुक्ति दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों के
संग्रह का विमोचन नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में किया और नागपुर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा 2020 क्रिकेट मैच वर्षा से बाधित और हॉकी के महान खिलाड़ी दिलीप तिर्की को निर्विरोध हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया। पहली बार कोई पूर्व खिलाड़ी और ओलंपियन राष्ट्रीय खेल संस्था का प्रमुख बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों के संग्रह का आज नई दिल्ली के आकाशवाणी के रंग भवन में विमोचन किया गया। इसका नाम है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण। पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत के संबंध में उनका दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि मई 2019 से मई 2020 तक के प्रधानमंत्री के भाषणों पर आधारित इस पुस्तक में उनके विचार संकल्प और निर्णय लेने की प्रतिबद्धता प्रस्तुत की गई है। उन्होंने कहा कि सुधार निष्पादन और सुशासन इस सरकार के मंत्र हैं और इनसे लोगों के जीवन में सुधार और परिवर्तन आया है। श्री नायडू ने कोविड महामारी के दौरान प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि देश ने स्वदेशी टीका विकसित किया और करीब 200 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। करीब 80 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। That is the speciality of his governance. The pandemic shaken the world. Everybody, some people said why India is going to finish because of huge population and all, what is going to happen and all. But again, thanks to our scientists, our doctors, our medical staff, our sanitary staff, they came out with new vaccinations and then reaching out to the people, 200 crore vaccinations and then supplying to 92 countries. The beginning and many more countries. It is not an ordinary achievement. It's a great achievement. श्री नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में करोड़ों बैंक खाते खोलने का असंभव काम किया गया। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए श्री नायडू ने कहा कि इससे लोगों को बिचौलियों से मुक्ति मिली। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत विश्व की पांचवीं अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक में अर्थव्यवस्था, संस्कृति के संरक्षण, स्वच्छ और हरित भारत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा खेल सहित विभिन्न विषयों पर प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। मई 2019 से लेकर मई 2020 के ये एक वर्ष के कार्यकाल पर कुल 86 भाषणों का संग्रह है और ये माननीय प्रधानमंत्री जी के न्यू इंडिया के विजन को दर्शाता है। 10 अलग अलग विषयों पर उनके 86 भाषणों को संकलित किया गया है ताकि समाज के सभी विषयों पर उनकी सोच, विषय पर उनकी पकड़ और गंभीर विषय को भी रुचिकर बनाने के उनके अंदाज को आप समझ सकें और जान सकें। इस अवसर पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि पुस्तक में महिलाओं और विकास में पीछे रह गए लोगों के प्रति चिंता दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन तलाक प्रथा को समाप्त करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया। समारोह में सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र, प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मयंक अग्रवाल, आकाशवाणी समाचार की महानिदेशक डॉ वसुधा गुप्ता, प्रकाशन विभाग की महानिदेशक मोनी दीपा मुखर्जी और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पुस्तक जन भागीदारी के माध्यम से नए भारत के निर्माण के प्रति लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करती है। पुस्तक में प्रधानमंत्री के मई 2019 से मई 2020 के दौरान दिए गए 86 भाषणों का संकलन है। पुस्तक प्रकाशन विभाग के बिक्री काउंटर और सूचना भवन की पुस्तक दीर्घा में उपलब्ध रहेगी। इसे प्रकाशन विभाग की वेबसाइट और भारत कोश प्लेटफॉर्म से भी ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किए गए उपहारों की ई नीलामी चल रही है और ये 2 अक्टूबर तक चलेगी। इसमें 1,222 स्मृति चिन्हों को शामिल किया गया है। उपहार का न्यूनतम आधार मूल्य 100 रूपये और अधिकतम मूल्य 5,00,000 रूपये रखा गया है। आज दिव्यांग बच्चों सहित 350 से अधिक बच्चे राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय देखने के लिए पहुंचे। इन उपहारों को संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया है। आकाशवाणी से बातचीत में संग्रहालय के निदेशक तेम सुनारो जमीर ने बताया कि आज अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस पर विविध पृष्ठभूमि में बच्चों को इन उपहारों को देखने के लिए आमंत्रित किया गया।
दिव्यांग व्यक्तियों के आधिकारिता विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र ने आज नई दिल्ली में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत संकेत भाषा दिवस मनाया। समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से प्रसन्नता और गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि पूरी दुनिया वसुधैव कुटुम्बकम की भारतीय अवधारणा को अपना रही है और इसे दुनिया भर में सांकेतिक भाषा दिवस के आयोजन में देखा जा सकता है। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करता है। आज की कड़ी में हम आपको सरकार के उन प्रयासों के बारे में बताएंगे जिन्होंने आम जीवन को सुगम और सरल बना दिया है। नया भारत हमारी बढ़ती आकांक्षाओं के अनुरूप जीवन को सुगम बना रहा है। वर्ष 2014 से सरकार ने जीवन की सुगमता और व्यापार में सुगमता दोनों को बेहतर बनाने पर बल दिया है। वर्ष 2002 से 2014 तक मेट्रो निर्माण प्रतिवर्ष 20 किलोमीटर था, जो वर्ष 2014 से 2022 तक 63 किलोमीटर तक चला गया। डिजिटल पेमेंट से रोजमर्रा की जिंदगी को काफी आसान बना दिया गया है। भीम जैसे पेमेंट ऐप ने छोटे दुकानदारों को फायदा दिया है। शहरी जीवन में देखा जाए तो अटल मिशन अमृत के अंतर्गत 118 लाख घरों में नल से जल पहुंचाया गया और 97 लाख घरों में सीवर की व्यवस्था की गई। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। योजना के अंतर्गत अब तक 3,26,00,000 से अधिक लोगों को मुफ्त चिकित्सा उपलब्ध कराई जा चुकी है। 87,000 से अधिक जन औषधि केंद्रों में सस्ती दवाओं से लोगों को 50 से 90% से अधिक की बचत हुई है। LPG कनेक्शन ने लीकेज और बिचौलियों को दूर किया है। इस योजना में 29 करोड़ से अधिक लाभार्थी हैं। पिछले 8 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई योजना का उद्देश्य आम आदमी के लिए जीवन की सुगमता हासिल करना है। सरकार ने देश के सामान्य नागरिक की जिंदगी में होने वाली मुश्किलों को कम करने के लिए रिफॉर्म का रास्ता चुना है। देश में टैक्स भरने की प्रक्रिया में बहुत सुधार आया है। इनकम टैक्स रिटर्न के लिए अब महीनों इंतजार नहीं करना पड़ा। प्रोविडेंट फंड रजिस्ट्रेशन और PF का पैसा निकालने के लिए पहले आपको दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। बिजली कनेक्शन लेना आसान हुआ है। रेलवे रिजर्वेशन कराना आसान हुआ है। जो पासपोर्ट पहले महीनों में मिलता था, अब एक हफ्ते के भीतर मिल जाता है। मई 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वसत्यापन को बढ़ावा देने के बजाय राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रमाण पत्र के सत्यापन को समाप्त करने का निर्णय लिया, जो भारत के युवाओं में विश्वास को बढ़ाता है। ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए केंद्र ने अब तक 25,000 से अधिक अनुपालन कम किए हैं। बैंकों या अन्य संस्थानों से ऋण को आसान बनाने के लिए सरकार ने वर्ष 2018 में एक मंच तैयार किया, जिसने MSME, गृह, ऑटो और व्यक्तिगत ऋण सहित विभिन्न प्रकार के क्रेडिट उत्पादों की पेशकश की। पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए सरकार ने पेंशन नीति के साथ साथ पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण में कई कल्याणकारी कदम उठाए हैं। न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन का अर्थ है नागरिकों की अधिक भागीदारी, नवाचार, नवीनतम तकनीकों का उपयोग और पारदर्शिता। इसके अंतर्गत प्रक्रियाओं को और अधिक सरल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 1 फरवरी 2022 को संसद में केंद्रीय बजट 2022 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा था कि आम जीवन को सुगम बनाने में राज्यों की सक्रिय भागीदारी, मैनुअल प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण और केंद्र और राज्य के एकीकरण से निर्देशित होगा। ये सभी नागरिक केंद्रित सेवाओं के लिए एकल बिंदु पहुंच बनाने में मदद करेगा और मानकीकरण और अतिव्यापी अनुपालनों को हटाने में मदद करेगा। Government aims to bring greater ease of living in the lives of its citizens. Digital payments are gaining acceptance everywhere, including by the government. Use of technology is an effective way to ensure this. Pradhan Mantri Shram Yogi Mandan was launched on 5th March 2019. The scheme aims at providing 3,000 rupees per month as pension on attaining the age of 60 for good quality of life and ease of living, maintaining a cleaner environment and ensuring sustainable energy use in absolutely vital.
आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम को ट्विटर @AIRNewsAlerts पर, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। मणिपुर के उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने बाहरी मणिपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति सीट से वर्तमान सांसद लोरहो एस फोजे के निर्वाचन को रद्द कर दिया है और चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार को सांसद घोषित कर दिया है। इस उम्मीदवार ने मणिपुर उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दावा किया था कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान वर्तमान सांसद के हलफनामे में कई त्रुटियां थीं। बम्बई उच्च न्यायालय ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना के धड़े को 5 अक्टूबर को मुंबई के शिवाजी पार्क में अपनी वार्षिक दशहरा रैली आयोजित करने की अनुमति दे दी है। अदालत ने विधायक सदा सर्वकर के माध्यम से एकनाथ शिंदे गुट द्वारा दायर हस्तक्षेप याचिका को भी खारिज कर दिया। देश के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित लेह जिले में बैंकों के डिजिटीकरण का लक्ष्य 100% पूरा कर लिया गया है। ये काम एक वर्ष में पूरा कर लिया गया। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सलाहकार उमंग नरूला ने कहा कि डिजिटीकरण समाज के विकास की ओर संकेत करता है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह अगले महीने की 7 तारीख को सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के डेयरी सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का विषय है जुझारू पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र डेयरी सहकारी समितियां, चुनौतियों और अवसरों की खोज। इसका उद्देश्य पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के स्थानीय समुदायों के लाभ के लिए सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि नया दूरसंचार विधेयक लाने का उद्देश्य लोगों को साइबर धोखाधड़ी से बचाना है। इस विधेयक में दूरसंचार सेवाओं का उपयोग करने वाले लोगों की सुरक्षा पर ध्यान दिया गया है। विधेयक के मसौदे पर नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि इसे गहन विचार विमर्श और विश्व की श्रेष्ठ परिपाटियों का व्यापक अध्ययन करने के बाद तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि दूरसंचार सेवाओं का उपयोग 1,17,00,000,000 लोग कर रहे हैं। दूरसंचार क्षेत्र 40,00,000 लोगों को रोजगार देता है। पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज मेडक और अक्कन्नापेट रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली एक नई रेल लाइन राष्ट्र को समर्पित की। 17 किलोमीटर लंबी ये लाइन बिछाने में 205 करोड़ रुपए की लागत आई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1021 अंकों की गिरावट दर्ज करते हुए 58,099 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 302 अंक कम होकर 17,327 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 12 पैसे कमजोर होकर 80.99 रूपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर के वायदा कारोबार में सोना 49,355 रूपये प्रति 10 ग्राम पर था। दिसंबर अनुबंध वाली चांदी 56,330 रूपये प्रति किलो पर थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा 2020 क्रिकेट मैच नागपुर में मैदान में पानी होने के कारण अभी तक शुरू नहीं हुआ है। अगला निरीक्षण 8:45 पर होगा। इसके बाद ही मैच का कोई निर्णय लिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। हॉकी के महान खिलाड़ी दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुने गए हैं। इतिहास में पहली बार किसी पूर्व खिलाड़ी और ओलंपियन ने राष्ट्रीय संस्था का नेतृत्व किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, वो लगातार अपने पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों के सभी जिले देश के अभिन्न अंग हैं और लोगों को किसी से भी डरना नहीं चाहिए। विदेश मंत्रालय ने कनाडा में बसे भारतीयों को घृणा अपराधों से सतर्क रहने का परामर्श दिया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों को दूर करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सर्वोच्च प्राथमिकता शहरों और सभी भवनों को पर्यावरण अनुकूल बनाना होनी चाहिए। देश के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित लेह जिले में बैंकों के डिजिटीकरण का लक्ष्य 100% हासिल। नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकीय रिपोर्ट के अनुसार भारत ने बाल मृत्यु दर में कमी लाने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की।
पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ने लोगों को बिचौलियों से मुक्ति दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों के संग्रह का विमोचन नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में किया। और नागपुर में भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा 2020 क्रिकेट मैच वर्षा से बाधित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।